मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का शहर में एक भारतीय परिवार में हुआ। भारत में 1857 की असफल क्रांति के बाद उनका परिवार मक्का चला गया था। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन साल 1898 में परिवार सहित भारत लौट आए और कोलकाता में बस गए। आज़ाद को बचपन से ही किताबों में लगाव था। जब वे 12 वर्ष के थे तो बाल पत्रिकाओं में लेख लिखने लगे थे। साल 1912 में आज़ाद ने अल हिलाल नाम की एक पत्रिका निकाली थी। यह पत्रिका अपने क्रांतिकारी लेखों की वजह से काफ़ी चर्चाओं में रही। ब्रिटिश सरकार ने 2 साल के भीतर ही इस पत्रिका की सुरक्षा राशि जब्त कर दी और भारी जुर्माना लगाकर उसे बंद करवा दिया। 1916 आते आते आज़ाद को बंगाल से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया और रांची में नज़रबंद कर दिया गया। राष्ट्रीय एकता के पैरोकार सार्वजनिक जीवन में उतरने के साथ ही आज़ाद ने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा हथियार बताया। साल 1921 को आगरा में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने अल हिलाल के प्रमुख उद्देश्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने अपना सबसे पहला लक्ष्य हिंदू मुसलमान एकता रखा है। मैं दृढ़ता के साथ मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि यह उनका कर्तव्य है कि वे हिंदुओं के साथ प्रेम और भाईचारे का रिश्ता कायम करें, जिससे हम सब सफल राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। साल 1923 में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा, आज अगर कोई देवी स्वर्ग से उतरकर भी या कहे कि वह हमें हिंदू मुसलमान एकता की कीमत पर 24 घंटे के भीतर स्वतंत्रता दे देगी, तो मैं ऐसी स्वतंत्रता को त्यागना बेहतर समझूंगा। स्वतंत्रता मिलने में होने वाली देरी से हमें थोड़ा नुकसान तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर हमारी एकता टूट गई तो इससे पूरी मानवता का नुकसान होगा। एक ऐसे दौर में जब राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक पहचान को धर्म के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे थे जहां धर्म, जाति, संप्रदाय और लिंग किसी के अधिकारों में आड़े ना आने पाए।